से बॉलीवुड में जबरदस्त एंट्री करने वाले साउथ फिल्मों के सुपरस्टार धनुष का आज बर्थडे है। चलिए आज इस मौके पर उनके बारे में आपको ऐसी बातें बताएंगे जो उनके बेहद करीबी लोग ही जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर, मैं हूँ आपके साथ सोनम गुरु। साउथ के ये फेमस एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री में धनुष के नाम से फेमस है, लेकिन असल जिंदगी में उनका नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है। धनुष का जन्म 28 जुलाई 1983 को एक तमिल परिवार में हुआ। उनके पिता कस्तूरी राजा तमिल फिल्मों के निर्माता और निर्देशक हैं। आपको बता दें कि धनुष काफी साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर बनने से पहले मिल में काम करते थे। एक समय ऐसा था जब उन्हें दिन में एक समय के खाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था, मगर धनुष की माने तो उन्हें असली खुशी उसी संघर्ष में मिलती थी। फिल्मों में अपने शुरुआती दौर में भी उन्हें अपने साधारण लुक को लेकर काफी बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन उन्हें अपनी काबिलियत को लेकर कभी कोई शक नहीं था और इसी आत्मविश्वास के दम पर वह आज एक सफल स्टार के तौर पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों में धनुष ने जितनी शोहरत कमाई है उतना ही उनका नाम बॉलीवुड में लिया जाता है। महज कुछ ही हिंदी फिल्मों से जिस तरह बॉलीवुड में उनके पहचान मिली है, उतना आज के समय के दक्षिण भारतीय एक्टर को नहीं मिली है। फिल्म रांझना का डायलॉग गली के लड़कों का प्यार अक्सर डॉक्टर और इंजीनियर ले जाते हैं, या जब तक तुम अपना नाम नहीं बताओगी तब तक थप्पड़ खाने आ जाएंगे करेंगे, आज भी उनके ये डायलॉग्स उनके फैंस पर गहरी छाप छोड़ती है। धनुष की एक्टिंग न सिर्फ सहज होती है बल्कि उनका चार्म भी उनके फैंस पर अपनी गहरी छाप छोड़ती है। लेकिन आपको मालूम है कि किसी समय धनुष एक अभिनेता नहीं बल्कि कुछ और ही बनना चाहते थे। धनुष ने एक बार इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें कभी एक्टिंग का शौक नहीं था। इतना ही नहीं, बचपन में उनके घर जब कोई स्टार भी आता था तो वह अपने कमरे में दरवाजा बंद कर छुप जाते थे। हालांकि उनके डायरेक्टर पिता कस्तूरी राजा को धनुष के अंदर एक एक्टर की खूबी सबसे पहली पता चला था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र में ही कर दी थी।